गुना में उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति की रैली निकाली गई। इसके बाद जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को सूचना भेज दी गई, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री के आदेशों का अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दुकानदारों को आंदोलन और विरोध करना पड़ रहा है। दरअसल कोविड संक्रमण के दौर में दुकानदारों ने रजिस्टर से उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया था, जिसकी वसूली जिला प्रशासन उनसे करवा रहा है। इसी तरह 6 महीने से इन दुकानदारों को कमीशन नहीं दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले दुकानदारों को 7,500 रुपए मेहनताना देने के आदेशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। सरकारी उचित मूल्य दुकान से पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित करने वाले दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ घर घर जाकर विरोध दर्ज कराने की खुली चेतावनी दे डाली है। समस्याओं के संदर्भ में और मूलतः राज्य शासन द्वारा, सरकार द्वारा, माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा जो उपभोक्ताओं के और राशन विक्रेताओं के इसमें जो आदेश दिए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, जिला आपूर्ति निगम अधिकारी, सहकारिता अधिकारी, आपस बैंक बैंक सहकारिता बैंक के अधिकारी और खाद्य विभाग के अधिकारी उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। और इसी को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि हमारा 3 तारीख तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 3 तारीख से समूचे गुना जिले के उचित मूल्य दुकानदार राशन वितरण कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्या मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग यह है, 6 महीने का कमीशन नहीं दिया गया। राज्य शासन ने आदेश दे दिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले दुकानदारों को 7,500 रुपए उनके खाते में दिए जाएं, वो नहीं दिया जा रहा। हमसे जबरन वसूली की जा रही है, कोविड के समय जो हमसे रजिस्टर से वितरण कराया गया उसकी वसूली उल्टा हमसे की जा रही है, उसको मशीनों में से कम नहीं किया जा रहा। ऐसी अन्य 6 मांगे हैं हमारी। ठीक है, आपका नाम? जी, मेरा नाम रशीद खान, महामंत्री उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ मध्य प्रदेश। ये हमारे जिलाध्यक्ष संजय दुबे, ये हमारे जिलाध्यक्ष है, ये हमारे संरक्षक है। आपको बता दें कि राशन दुकानदारों की चेतावनी राज्य सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय 6 करोड़ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकान से राशन मिलता है। प्रदेश के 27,000 उचित मूल्य दुकानदार लगातार 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारी परिवारों के संपर्क में रहते हैं। गुना से मृदुभाषी प्रदेश के लिए राघवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।